मणिपुरनी जमीनी हकीकत अने हिंसाग्रस्त विस्तारों में प्रवर्ती रहेली स्थिति की समीक्षा कर्या बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज इम्फाल में पत्रकार परिषद ने संबोधी रहा छे। ते पहला अमित शाहे मणिपुर में सामान्य स्थिति ने बहाल करने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करी हती। तेमणे विविध समुदाय लोको साथे राज्य में शांति बहाल करने मुद्दे चर्चा विचारणा करी हती। मणिपुर प्रवासना तीजा दिवसे गृहमंत्री सरहदी विस्तार में कूकी अने अन्य समुदाय लोको साथे वातचीत करी हती। तेमणे वरिष्ठ अधिकारी साथे बैठक योजीने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पण करी हती। केन्द्रीय गृहमंत्री अधिकारियों ने शांति भंगना कोईपण प्रयास सामे कड़क हाथे काम लेवा सूचना आपी हती। केन्द्रीय गृहमंत्री केटलीक राहत छावणी की मुलाकात लईने लोको साथे सीधो संवाद पण कर्यो हतो। मंत्रालय से हम करेंगे और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 6 वर्षों से जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर बंद, ब्लॉकेट, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के सारे पैरामीटर्स में अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की। दर्शक मित्रों, मणिपुर ना इम्फाल खाते केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फरेंस ने संबोधी रहा छे। आवो जोईए तेनु जीवंत प्रसारण। परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा, वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे जिससे पेट्रोल की किल्लत यहाँ पर हो न सके। आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है, इसलिए खोनसेंग रेलवे स्टेशन अभी पूरा नहीं बना है मगर लाइन तैयार हो गई है, तो हमने टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया है जो एक ही सप्ताह में बन जाएगा, तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मणिपुर की आपूर्ति करने के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। युद्ध स्तर पर ये प्लेटफॉर्म बनाने की कार्यवाही कल से ही शुरू हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहाँ आपूर्ति शुरू कर देंगे, तो रेल जब आना शुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा। दोनों ओर लोग शिफ्ट हो गए, इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुविधा विशेषकर कुकी भाइयों के क्षेत्र में हुई है। भारत सरकार ने 8 टीमें जिसमें 20 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमें भी होंगी, वो टीमें वहाँ से रवाना हो चुकी है। 3 टीम पहुँच चुकी है और 5 टीम आज शाम तक यहाँ रिपोर्ट कर देगी, जो मोरे, चूराचांदपुर और कॉमकॉपकी के एरिया में क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का काम करेगी और बाद में इम्फाल में भी अगर ये क्राइसिस होती है तो आसाम सरकार के डॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्था की है।